तो भाई गदर टू मूवी ना बॉक्स ऑफिस के मैदान पर कुछ ऐसा गदर मचा रहा है, कुछ इस कदर गदर मचा रहा है जो कि पठान जैसी फिल्म को भी मात दे चुका है। जी हाँ गाइस, मैं बात कर रहा हूँ तीसरे दिन की, मतलब थर्ड डे की, आज की संडे की एडवांस बुकिंग के बारे में। हम यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में बात नहीं कर सकते क्योंकि अभी तो गदर टू मूवी चल रही है, इसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में कल ही पता चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे एडवांस बुकिंग को लेकर के। ओके, तो गाइस पठान मूवी की तीसरे दिन की एडवांस बुकिंग कितना था आपको पता है? थर्ड डे का एडवांस बुकिंग यही कुछ 13 करोड़ से ज्यादा था। ओके, 13 करोड़ से ज्यादा था। लेकिन गदर टू का थर्ड डे का, मतलब आज का एडवांस बुकिंग 27 करोड़ से ज्यादा है। जी हाँ गाइस, 27 करोड़ से ज्यादा है। हाँ, हालांकि हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि पठान का जो तीसरा दिन था वो फ्राइडे था, ओके, वर्किंग डे था, और गदर टू का जो तीसरा दिन है वो संडे है, आज के जैसा दिन है। मतलब संडे को तो जैसे भी मतलब लोग भीड़ जमा हो ही जाता है, लेकिन पठान की जो फर्स्ट संडे था है ना, जो उसका जो फिफ्थ डे था, मतलब पांचवा दिन जो था, उसी दिन पठान का वही 27 करोड़ तक एडवांस बुकिंग हुआ था। ओके, वही 27 करोड़ तक एडवांस बुकिंग हुआ था, लेकिन तीन लैंग्वेज को मिला करके। लेकिन यहाँ पे पठान का तीन लैंग्वेज मिला करके बोलना भी गलत हो जाएगा दोस्त, क्योंकि तमिल और तेलुगु में पठान मूवी का उतना खास रेस्पॉन्स नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हिंदी की बात करें तो 26 करोड़ तक हुआ था। ओके, 26 करोड़ से ज्यादा तक की एडवांस बुकिंग हुआ था सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। लेकिन गदर टू का 27 करोड़ से ज्यादा हुआ है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज है जो कि गदर टू मूवी उभरता नजर आ रही है दोस्त। जहां पे पठान मूवी की बात होती है, जो 26 करोड़ या फिर 27, तीनों लैंग्वेज को मिला करके अगर हम बात करें तो 27 करोड़ से ज्यादा तक के एडवांस बुकिंग हुआ था संडे को, मतलब पठान की फिफ्थ वाले दिन, मतलब पांचवें दिन में, तो उसमें 9 लाख तक की टिकट खरीदे गए थे। आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, ठीक है ना, 9 लाख से ज्यादा टिकट खरीदे गए थे। और जाहिर सी बात है कि पठान की टिकट प्राइस थोड़ा ज्यादा था, है ना, आईमैक्स पे रिलीज हुआ था, ये सारा चीज को लेकर भी थोड़ा ज्यादा था, इसलिए 9 लाख, मतलब 9 लाख के टिकट सोल्ड आउट में भी 27 करोड़ तक की एडवांस बुकिंग हो गया था। लेकिन गदर टू का टिकट प्राइस तो कम है पठान से ना, तो 11 लाख से ज्यादा, तकरीबन 12 लाख तक की टिकट सोल्ड आउट हुए हैं, तभी 27 करोड़ तक की एडवांस बुकिंग देखने को मिली है। इसका मतलब ये है कि फुटफॉल्स भी ज्यादा है गदर टू का, मतलब क्रेज बहुत ज्यादा है, लोग जा रहे हैं बहुत ज्यादा। ओके, तो भाई इस मामले में भी गदर टू थोड़ा ऊपर नजर आ रही है। तो तीसरे दिन के कलेक्शन में भी पठान की, मतलब तीसरे दिन के जो कलेक्शन हो रहा होगा, मतलब पठान का तीसरे दिन का कलेक्शन कितना था, यही कुछ 48 करोड़ तक की था। तो आज का गदर टू का भी, मतलब ये नहीं 48 नहीं 38 करोड़ तक की था पठान का, और गदर टू का आज का कलेक्शन तो बहुत ही ज्यादा होने वाला है। ओके, तीसरे दिन का कलेक्शन को, कलेक्शन के मामले में भी पठान मूवी को गदर टू जो है मात दे चुका है, और संडे के मामले में भी अगर हम देखें, संडे के मामले में भी अगर हम देखें तो फुटफॉल्स के हिसाब से, टिकट सोल्ड आउट के हिसाब से, भाई गदर टू मात दे दिया है पठान को। भाई खतरनाक कह रहे हैं यार, खतरनाक कह रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज कहना बहुत जरूरी है, आप अभी भी देखे होंगे, अभी भी कई सारे यूट्यूबर्स, बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस वगैरह आ रही है कि गदर टू मूवी को क्रिंज बताया जा रहा है, गदर टू मूवी को मतलब अच्छी मूवी नहीं है, लेकिन ये जो गदर का इमोशन है, तारा सिंह का रुतबा है, सनी देओल सर की वापसी है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि फिल्म चल ही जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज सोचता हूँ दोस्त, ठीक है ना, बस इमोशन ही यहाँ पे काम करता है। फिल्म अच्छा नहीं है लेकिन गदर की सीक्वल है बोल करके लोग देखने जा रहे हैं, बोल करके जो दावा किया जा रहा है ना भाई, इमोशन और सीक्वल की वजह से कोई थिएटर के अंदर जाना पॉसिबल है। ओके, लेकिन थिएटर में इस तरह का धूम मचाना, इस तरह से फिल्म को एंजॉय करना, और थिएटर से जब बाहर निकल करके वो बंदा आएगा तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बहुत सारे डायलॉग्स को रिपीट करते हुए एकदम से जोश में निकलना, और वो मूवी को एंजॉय करने के, मतलब जो जो देखने को मिल रहा है, जो क्रेज देखने को मिल रहा है, उसी क्रेज के साथ बाहर निकलना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर फिल्म लोगों को अच्छा नहीं लगा होता तो वो थिएटर में घुस गए होते सिक्वल के चक्कर में, इमोशन के चक्कर में, और वहां पे निराश होकर के लौटते ना। लेकिन मास ऑडियंस को बहुत अच्छा लग रहा है फिल्म, आप जाकर के ऑडियंस की रिव्यू देखो, कितना एंजॉय कर रहे हैं फिल्म को, क्या क्रेज, क्या क्या धाकड़ मची हुई है मतलब ऑडियंस के मन में, है ना। तो गाइस इस चीज को क्यों लोग अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं यार छोड़ो, इनकी बात छोड़ दो, लेकिन ऑडियंस खुश है तो बहुत अच्छी बात है। और ये फिल्म लंबा जाने वाला है, 3 दिन के अंदर ही ब्लॉकबस्टर होने वाला है, जबरदस्त है भाई, जबरदस्त, ठीक है ना। आपको गदर टू मूवी लिटरली कैसा लगा है, आप एंजॉय कर पाए हो कि नहीं, जरूर कमेंट करना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।